राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और देखिए आज देख सुबह उठा था और कान्हा को कैसे लेके सो रहा है अपनी गोद में। दोनों कैसे सो रहे हैं मुझे तो पता भी नहीं, कद में सुवा लिया अपने पास से। तो देखिए गाइस आज धूप निकली हुई है और मौसम भी साफ है, तो हमने सभी कपड़ों को बाहर सुखाने के लिए डाल दिया है और आधे घंटे में सभी कपड़े सूख जाएंगे और फिर मैं इनको उतार कर ले जाऊंगी। तो देखिए आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है, खिली खिली धूप है बिल्कुल। और चिड़िया भी कैसे चहचहाने लग रही हैं। तो चलते हैं हम नीचे, नीचे एक रखा है टेबल फैन पंखा, उसको नीचे से ऊपर लेके आती हूँ, ऊपर कमरे में रखेंगे क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। तो दरवाज़ा कर देती हूँ बंद, जाली वाले ही कर देती हूँ आज का, थोड़ी सी इसकी जो गंदी स्मेल है वो निकल जाएगी। सीली सीली सी। तो देखिए गाइस आज बारिश का बहुत ही ज़्यादा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आएगी। और ये देखिए हमने करेले सुखाए हुए थे, बहुत करेले थे उसमें ख़राब हो गए, पता नहीं कैसा मौसम है ये। और धूप में ही पड़े रहे हैं सारा दिन, पर आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसमें पीले पड़ चुके हैं। अगर हम अचार डालेंगे इसका तो क्या पता अचार भी ख़राब हो जाए। तो देखो, और ये देखिए गाइस हमारे मोगरे के फूल कितने आए हैं, पूरे घर में खुशबू हो रही है इनकी। तो मैं चला देती हूँ मोटर, कभी आंधी आ जाए और बारिश आ जाए और लाइट ना आए तो पानी के लिए हम बैठे रहें। तो चलिए चला देते हैं हम अपनी मोटर। और मैंने बना ली है चाय, देव चाय पिएगा बेटा? तो देव को दे देती हूँ चाय और गौरव पीकर चला गया बाहर की तरफ। तो आ जाइए गाइस आप भी चाय पी लीजिए, जो ये कप है ये गौरव का है, वो तो अपनी पी गया, और ये देव का है और इसमें से मैं आप लड्डू पियेंगे। चलिए देव का तो दे देती हूँ देव के पास, ये मैं भी उधर ही चलती हूँ। पंखा कर देती हूँ बंद, क्योंकि भाई अकेले बैठकर मैं क्या करूँगी, मैं भी देव के पास ही पी लेती हूँ। तो चलिए उठा लेते हैं हम अपनी चाय को, चलते हैं। और दूध हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। और गाइस आज हमारा एसी भी ठीक हो गया है, देखिए आज वो ठीक कर चले गए हैं। एसी ठीक हुआ है तो आज वोल्टेज में गड़बड़ थी, वोल्टेज वो लेकर चले गए हैं एसी की और डायरेक्ट कर गए हैं इसको एसी को, तो कल लगा जाएंगे वो वोल्टेज। और आज हमें बहुत ही अच्छी नींद आई दोपहर को और हम बड़े ही मज़े से सोए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है दो तीन दिन से, और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है क्योंकि बारिश के आसार लग रहे हैं मुझे कुछ। तो बेटा चाय पी ले। और देखिए जी ये लड्डू यहाँ किसने छुपाया हुआ है भाई, खाट लड्डू की कहाँ सरकाई हुई है। देखिए जी लड्डू सो रहे हैं हमारे, अरे उठ लो लड्डू जी, उठो लड्डू की खाट इन बच्चों ने देखो बिल्कुल कंप्यूटर के पीछे सरका रखी है। तो हम अपने लड्डू की चारपाई को खाट को खींच लेते हैं। तो लड्डू जी उठिए, 6 बज चुके हैं, उठो और चाय पियेंगे हमारे लड्डू जी। ओहो मुस्कुरा रहे हैं हमारे लड्डू, तो उठ जाओ भाई उठो। अब लड्डू को पिला देंगे हम चाय। अरे भाई ले भाई लड्डू बेटा, पी लो चाय। अरे
आप पी लेंगे लड्डू अपने आप चाय, और लड्डू को हम बिस्कुट भी खिलाते हैं। तो ये खिला देते हैं हम लड्डू को बिस्किट, लड्डू चाय। तो ये देखिए गाइस, बहुत तेज़ आंधी आ चुकी है और बारिश भी बहुत तेज आएगी। देखो भाई, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो भाई, ये हमारे करेले हो चुके हैं ख़राब। हम सोच रहे थे अचार डालने की, देखो सारे खराब होने लग रहे हैं। तो गौरव की माँ जी बोल रही थी, ताई जी, कि ये बारिश हुई है ना 2 दिन से, ये बदल आ गए हैं। तो बदलाने में ऐसे हो जाते हैं खराब, कुछ भी चीज़ हो वो बदल करेला। तो देखिए जी, हमें बहुत ही दुख आया, बड़ी मेहनत से काटे थे देव के, और देव के पापा ने और देव ने सब कुछ पीला हो जाओगा। अच्छा, तो देखिए, हम इतने ही रोज़ ख़राब निकालते हैं और इतने ही रोज़ ख़राब और निकल जाते हैं, सारे ही ख़राब हो चुके हैं। बहुत खाद पानी गिरते हैं। देखने में तो करेले बहुत सुंदर थे ना, बहुत अच्छे थे। अच्छे क्या थे, वो रात रात में गलने लगे थे साबित भी। देखिए गौरव, बताइए, रोज़ घाम में नहीं पड़े रहते हैं, सुबह रे इतनी गर्मी उसमें धूप में पड़े रहते हैं। इतने धूप होते हैं ना कभी, क्यों वो हो तो मैं अंदर सुखाती हूँ ना। गौरव बताइए, बता। पापा फोन आया कल, बोला पहला तुम्हें बोला मैं तमाम फोन आया, हेलो कहाँ है, बोला यही हूँ, बोला खिड़की दरवाजे बंद, क्या हुआ, बोला तूफान आने वाला है। गौरव डर गया, हक्का दी ना, फिर आप ही बताते फोन करके तूफान आने वाला, हमें कल तो कहीं ना तूफान आया, आज आया वो तूफान। गांव में भी कुछ तेज धूप के बदल होता ना तो मेरा यो खराब होता, पर ज्यादा तेरी मां ना ना 2 दिन से ले अंदर कर दियो। मैंने बोला हम पापा, मैंने देखा वेदर फोरकास्ट पे 2-3 बजे का दिखा रहा है, वो भी 30% चांस है। देखिए जी, सुना अभी आपने गौरव ने क्या कहा कि कल इसके पापा का आया फोन और बोले, गौरव से बोले कि सारी खिड़की दरवाजे जल्दी से बंद कर दे। गौरव डर गया कि पापा क्या बात हो गई, अब तूफान आने वाला है। तो वो तूफान आज आया, कल नहीं आया। जो स्टार्ट। तो गाइज, मैं लगा देती हूँ जोत शाम की, और आज अंधेरा बहुत जल्दी हो गया क्योंकि आंधी आई है ना, इसलिए तो मैं तुलसी में ज्योत नहीं लगाऊंगी क्योंकि बुझ जाएगी, हवा चलती है बहुत तेज, धूप धूप लगा के आऊंगी तुलसी जी में, ज्योत लगाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बुझ जाएगी। तो मैं अंदर लगा देती हूँ ज्योत, बाहर लगाऊंगी धूप। तो चलिए भाई, कर लेती हैं संध्या की पूजा। संध्या कौन? संध्या मतलब शाम, शाम की संध्या बोलते हैं शाम की। मतलब की संध्या को इसी माता है। संध्या शाम को बोलते हैं। और आज मैं फिर से दाल चावल बनाऊंगी क्योंकि डेली दाल चावल मम्मी अच्छे हैं। पापा ही बोल रहे हैं कि दाल चावल बना लो, कल भी मैंने दाल चावल बनाए थे तो इनको बड़े स्वाद लगे, और आज फिर बोल रहे हैं दाल चावल, दोपहर को भी दाल चावल बनाए थे, तो भाई हम भी बना लेंगे, क्या है दाल चावल। रोटियों से पीछा छुटेगा हमारा भी। और मैं ये सोच रही हूँ कि जो हमारी शिव पार्वती की और गणेश की मूर्ति है, इसको हम संगमरमर के पत्थर में बनवाएं, बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति। कहाँ बनाते हैं गौरव, पता है कुछ? रेडीमेड मिल जाओगी? नहीं मिलती, मैं देख के आई थी, मतलब छोटी है इससे और अच्छी भी नहीं है मूर्ति होनी चाहिए। अच्छे लग तो रहे, लग तो रहे हैं, पर पत्थर की सोच रही थी मैं बहुत दिन से बनवाने की। इसके अंदर ही नहीं, अलग से ला के। ये तो वैसे ही है, क्या बोलते हैं उसको जो चमकती है वो धातु, कौन सी होती है वो? रेडियम। हाँ, ये रेडियम की है, अंदर अंदर तो इसके वो भरा हुआ है कुछ, और बाहर से ये रेडियम की है।
तो लाइट बंद कर देते ना, ये चमकती है तो अच्छी तो बात है, अच्छी तो बात है। मैं ये कब कह रही, पर मेरा कभी मन था कि इनको मैं पत्थर की बनाऊँ। तो अब मैं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। बस मुझे इतनी ही आरती आती है। पूरी सीखो ना फिर मम्मा। सीखने की कोशिश तो करती पर आती है, पर चलो प्यार से भगवान को दो वचन कह दो तो उसमें खुश हो जाते हैं हमारे हमारे महादेव जी। ये भोलेनाथ भगवान सबसे ही जल्दी प्रसन्न होने वाले होते हैं, इसीलिए इनको भोलेनाथ कहते हैं कि जल्दी ही अपने भगत की बातों में आ जाते हैं। मैं ये धूप लगाया थी, बातों बातों में आ गए हैं। ऑब्सेस्ड हो गए पापा करेलो से। तो हमने लगा दी है तुलसी में धूप और देखिए गाइस बारिश भी आ चुकी है। देखो देखिए क्या बारिश, बारिश आ गई है। और उधर हमने बनने के लिए रख दिए दाल और अंदर हमने बनने के लिए चावल, तो दाल चावल बन जाएंगे। तो जब आप सभी को हम बुलाएंगे खाने के लिए। कितनी सी सीटें आई? मैं तो आपके साथ ही था, फिर भी सुनी तो होगी, मैं और काम में बिजी थी। मैं आपकी वीडियो बना रहा था। चलो तो देखते हैं, एक सीटी और लगा लेते, फिर कर देते हैं इसको बंद और फिर लगाऊंगी मैं दाल में छौंक। तो देव कहाँ जा रहा है पता नहीं, वो तो बहुत ठंड हो रहा होगा। अब छुट्टियों का काम मिलेगा ना उसका, तो करवा दियो। I don't know, mom. मैं अपना ही काम खुद नहीं करता। करवाया कर उसको, बिठा दिया वो तो पबजी को खेल में, कर पबजी दोबारा से चालू कर दिया। यस, जब तो पागल हो रहा है वो, कानों पे लगा के लिए कभी बाहर कभी अंदर कभी बाहर कभी अंदर, तो खेलता ही रहता है सारे दिन। तो मैं छोक लेती हूँ दाल, दाल के लिए काट लेती हूँ प्याज और टमाटर और हरी मिर्च, और फिर छोक के दिखाएंगे हम आपको दाल चावल। इनको बड़े ही टेस्ट लगते हैं सबको। और देखिए बारिश आ रही है और ठंडा मौसम हो चुका है, दिन में बहुत गर्मी थी। थोड़ा ही डालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं डालती, आधा देसी सब्जी में डालती हूँ। और इन सभी को कर देंगे, और कर देंगे हम प्याज को गोल्डन ब्राउन, काट लूँगी मैं टमाटर। तो अब मैं लगा लेती हूँ अपने लड्डू जी को भोग। तो लड्डू हमारे खाएंगे दाल चावल, हमने ठंडे कर लिए थे और खिला देते हैं लड्डू को। जी पानी पियो। और अब हमारे लड्डू अपने हाथ से खाएंगे और हम इतने बाकी के काम निपटा लेते हैं। तो लड्डू जी खा लीजिए, आपका खाना आ गया है। तो अब मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ, क्योंकि हमारे बर्तन हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइस कर लेते हैं बर्तनों को साफ। Never thought I'd feel like this. तो अब मैं जमा लेती हूँ दूध,
दूध हो चुका है हमारा ठंडा, डाल देती हूँ मैं जग में। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें जामुन थोड़ा सा। और बर्तन वगैरह हमने सारे साफ़ कर लिए हैं, किचन की कर दी है सफाई। तो मैं दूध को रखे आती हूँ जोत वाले कमरे में, क्योंकि यहाँ ठंड हो जाती है रात को कूलर की हवा से। तो देखिए अब हम खा लेते हैं खाना। ये रखी थी हमारी कल की सब्ज़ी मिक्स वेज, ये पुष्पा ने बनाया था हरा साग, और ये हमने बनाई थी दाल। तो हम सभी को मिक्स करके खा लेते हैं। ये खा रहा है गौरव, कैसा लगा भाई खाना? तो गौरव मांग रहा है दूध। तो गाइस मैं भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगे हैं बहुत तेज़ भूख। और दाल चावल भी हमारी फेवरेट है, चलिए खा लेते हैं। गौरव ने बनवा लिया है रोज़ा, चावलों के साथ खाएगा, इसका क्या कॉम्बिनेशन है। दही और लस्सी तो बची नहीं, पीने का चाहिए मेरे को कुछ साथ। पीने का चाहिए, ये बिल्कुल अपने ताव घर पर गया है, मुझे तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं, मैं तो सूखे ही खा लेती हूँ, पर इसे ज़रूर चाहिए पीने के लिए। ये देखिए रोज़ा ना जमा जमा सा हो रहा, बोतल में बड़ी मुश्किल से निकला, हो जाता है ऐसा? लिक्विड नहीं रह रहा अभी, फ्रिज में रख रखा है। फ्रिज में रखते नहीं है इसको, भारी रखना चाहिए। अच्छा, फ्रिज में तो मैं पहले भी रखे करती, पर आपकी बार तो कुछ ऐसा हो रहा है। एक्सपायरी डेट का तो मैं पिया दिया, मर जाऊं मैं। मम्मी वो मुझे पता नहीं, पिछले साल ही तो आया था भाई साहब, देखा नहीं होगा कभी। ना, नहीं वो उसमें चीनी होती है ना बहुत ज़्यादा, तो वो जम जाती है चीनी। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिरप ये तो होता है एक तरह से चाशनी की तरह, वो जम गया, उसका कलर भी बदल के ना रेड से गुलाबी हो रखा है। ओए भाई देख जल्दी, देख के आ जल्दी, फिर सारा नहीं पिएगा। तो गौरव को चढ़ चुका है डर, कभी एक्सपायरी डेट हो रही हो। देखिए भाई अब बताएगा देवा के लिया है बोतल को ही ठाला। तो देखिएगा ये जी कैसा हो रखा है, दिखा एक बार, दिखा तो देखिए इसका कलर बिल्कुल पिंक हो गया। मम्मी रुक जा एक बार डेट देख लेंगे, लाइट चालू करूं? नहीं देख, डेट लिखा रही है इस पर, डेट तो जरूर लिख रखी हुई भाई। तो देखिए अब हमारी तहकीकात चालू हो चुकी है, रोज़ा पीने से पहले हम पहले रोज़ा की डेट देख लेते हैं कि कहीं इसकी डेट तो नहीं निकल रही है। मैन्युफैक्चर कभी गौरव को हो जाए फूड पॉइजन, इसलिए हम पहले तहकीकात करेंगे। मैन्युफैक्चर की तो है, मतलब दूसरा जब बनी थी है नहीं, देखना गौरव एक्सपायरी का नहीं, एक्सपायरी रुक जाओ, बेस्ट बिफोर यूज 24 मतलब 2 साल तो नहीं पीना, पी लो कुछ नहीं होता, पर इसको फेंक दूं कल ना। फेंक, चल अभी फेंक क्या बोलोगे, फिर पिएगा या? अरे फेंक के इन्हें। तो अब तो गौरव फिलहाल पी लेता है इसको, पर हम इस बोतल को फेंक देंगे क्योंकि ये हो चुकी है एक्सपायर। मैं मारना चाह रहा भाई तेरे लग रही है, रोज़ा पीऊँगा। तो देखिएगा ये कभी भी एक्सपायरी डेट हो जाए तो उसको मत पियो, आज ये पी लेता है जैसे तैसे करके पीना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो पिएगा या नहीं पिएगा भाई तेरी मर्जी है, देख ले, नहीं पीना तो रख दे और पीना है तो पी ले भाई, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, झाड़ तो ये है नहीं, सिरप ही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे रोज के बारे में? माँ पे भी भरोसा नहीं कर सकते ऐसे। ऐसी बात नहीं, चलो उसको फेंक देती हूँ, ले देव गेर के आस को मार देती हूँ चलो। क्योंकि मैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें पीती हूँ ना, ये बच्चे ही पीते हैं, और मैं कभी ध्यान ही नहीं रखती, फ्रिज में कई कई सालों की बोतलें पड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं है भाई, चलिए जी खा लेते हैं हम तो खाना, उठा ले इसकी तो बातों का कुछ वही नहीं है, मतलब पी भी रहा और मना भी करा, देखो गाइस कितना खाली कर दिया पी के, मेरा मन कर रहा है पीने का, पी ले कुछ दिक्कत नहीं। तो गाइस सुबह के लिए मैंने भिगो कर रख दिया सोयाबीन,
सोयाबीन चंक्स नहीं होते हैं वो, और आलू डालकर हम इसको बनाएंगे सब्जी को सुबह इसके पापा के लिए। तो रात को भिगो कर रख दिए, ये सुबह तक ठीक हो गए पाएंगे, और हम इसको रख देते हैं। लाइट कर देंगे बंद। हेलो गाइज, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइज ओके, बाय, गुड नाइट, सी यू, शुभ रात्रि।